भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,660 नए कोरोना केस मिले हैं। इससे पहले इतने ही समय में कोरोना के 7,178 नए मामले सामने आए थे। वहीं देश में सक्रिय कोरोना केसों की संख्या घटकर 63,380 रह गई है। वहीं राज्यवार संक्रमण की अगर हम बात करें तो केरल में संक्रमण की दर सबसे तेज बनी हुई है। यहां बीते 24 घंटों में 1,829 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं इतने ही समय में दिल्ली में 948, हरियाणा में 596, महाराष्ट्र में 545 और उत्तर प्रदेश में 565 नए कोरोना केस मिले हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी से 9,213 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं मृत्यु दर 1.18% जबकि रिकवरी रेट 98.67% दर्ज की गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।